यूपी के हाथरस में भगदड़ से हुई मौतों के मामले में दो सदस्यीय जांच समिति ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। बता दें कि रिपोर्ट में सामने आया है कि हाथरस हादसे के लिए कार्यक्रम आयोजक मुख्य जिम्मेदार है और स्थानीय प्रशासन की भी जवाबदेही तय की गई है। इसके आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि साजिश से इनकार नहीं है, गहन जांच की जरूरत है। इसके तहत ही जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर SDM, CO व तहसीलदार सहित 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं हाथरस हादसे की गहन जांच के लिए न्यायिक आयोग भी कार्यवाही शुरू कर चुका है।